हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विजय और आप देख रहे हैं शॉन टिप्स। बादाम को भिगो के खाना है या सूखा खाना है, कौन सा बेहतर है, किसके क्या फ़ायदे हैं, यही बातें हम इस छोटे से वीडियो में करने वाले हैं। आपका जैसे मन करे बादाम को वैसे खाइए, लेकिन लिमिट में खाइए ताकि आपको उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, उसके कैल्शियम का फ़ायदा मिल सके, उसके फाइबर का फ़ायदा मिल सके, उसके अंदर मौजूद मूफा पूफा जो अच्छा फैट है उसका फ़ायदा मिल सके, विटामिन ई का फ़ायदा मिल सके, आपको मैंगनीज मैग्नीशियम इन सब का बेनिफिट मिल सके और उसके अंदर जो फाइबर है उसका मैक्सिमम फ़ायदा हो सके। तो आपको जैसे दिल करता है वैसे खाइए। सवाल भिगो के खाने का और सूखे खाने का इसलिए आता है, साइंटिफिकली देखा जाए तो बादाम के अंदर एक टैनिन्स होते हैं और बेसिकली एंटी न्यूट्रिएंट्स की तरह काम करते हैं, वो कई तरह के जो मिनरल्स हैं उनके अब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं, तो इसी वजह से लोग जो है भिगो के और सूखे वाले की बात करते हैं। बाकी आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। जो टैनिन्स होते हैं या जितने भी एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भिगोने के बाद में थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन बहुत कम नहीं होते हैं, 4-5% से ज़्यादा कम नहीं होते। हाँ, सिर्फ आपको डाइजेस्टिव में थोड़ा सा हेल्प मिलता है क्योंकि बादाम सॉफ्ट हो गया है। सॉफ्ट करने का, बादाम को भिगोने का तरीका कुछ मैं कुछ नया नहीं बताने वाला हूँ, बस ये ज़रूर ऐड करूँगा कि आमतौर पर लोग जो क्या करते हैं, बादाम को भिगोया और पानी में डाला और रख दिया, लेकिन अगर उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट और डाल देते हैं तो उसका टेक्सचर और अच्छा हो जाता है, उसके अंदर से जो एंटी न्यूट्रिएंट्स है वो थोड़े से और कम हो जाते हैं, बट बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर कोई क्लेम करता है कि भिगो के खाने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। और जो टैनिन्स और जितने भी एंटी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं वो ऐसा नहीं है कि वो हमारे दुश्मन हैं, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में आते तो दिक्कत करते हैं, लेकिन थोड़े बहुत तो वो भी एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। जैसे विटामिन ई होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन ए होता है, जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं, हमारी कोशिकाओं को बूढ़ा नहीं होने देते हैं। उसी तरह से ये जो जिनको हम एंटी न्यूट्रिएंट्स कह रहे हैं, जिनकी वजह से हम ज़्यादा चिंता करते हैं, वो भी थोड़ी बहुत मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट की तरह ही काम करते हैं। तो इसलिए बादाम को जैसे दिल करता है वैसे खाइए, भिगो के खाइए, सूखा खाइए, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। भिगो के खाने से उसका थोड़ा कड़वापन कम हो जाता है। कई बार बच्चे जो है भिगो के रखे हुए बादाम को थोड़ा सा ठीक महसूस करते हैं, या फिर उसको पीस के दूध में मिला के भी पिलाया जा सकता है, जो बच्चे वो खाना पसंद नहीं करते हैं। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ मन का वहम है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। साइंटिफिकली टिल डेट, मार्च का लास्ट डे है, टिल डेट तो कुछ ऐसा नहीं है जो बादाम को लेके कि भिगोए वाला ज़्यादा अच्छा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी क्वेरी मैं आपकी सॉल्व कर पाया हूँ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियोस का आनंद आता रहे। थैंक यू सो मच।